हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एन अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर का मतलब होता है संयुक्त संख्या। शुरुआत कहाँ से होती है देखते हैं। द नंबर हैज एट लीस्ट थ्री फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक ऐसी संख्या जिसके कम से कम तीन फैक्टर हो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट संख्या नंबर। स्टार्ट कहाँ से होता है, फोर सिक्स एट नाइन एंड सो। फोर के तीन फैक्टर होते हैं, क्या क्या होगा, चार, एक, दो और कुछ चार भी हो। सिक्स के कितने फैक्टर होंगे, एक, दो, तीन और छः। जिसके कम से कम तीन फैक्टर होंगे ना उसको ही कॉम्पोजिट नंबर बोला जाता है। एक ऐसी संख्या जिसके कम से कम तीन भाजक हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे संयुक्त संख्या। अब इसकी कुछ वैरायटी होती है तो बात करते हैं। पहला वैरायटी टोटल डिवाइजर। टोटल डिवाइजर मतलब होता है कुल भाजक। देखिए 12 के कुल भाजक कितने होंगे, कौन कौन होंगे, एक से भी चला जाएगा। भाजक मतलब भाग देने वाला, डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला। एक, दो, तीन, चार जाएगा, छः जाएगा और बारह, तीन तीन छः, तो कितने भाजक हो गए, टोटल हो गए छः। अब इसको शॉर्टकट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप ब्रेक करो प्राइम में। प्राइम में ब्रेक करने के बहुत तरीके हो। आपने छः इंटू दो लिखा, फिर दो इंटू तीन लिखा, इस दोनों दो को एक साथ कर लिया, दो का स्क्वायर इंटू तीन लिखा। इसी चीज़ को बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे हम लोग, पढ़ते थे मान लीजिए एलसीएम एचसीएफ। ये जो एलसीएम कैसे करते जाते कुछ ऐसे करते थे, ये क्या ब्रेक होगा, दो इंटू तीन, जिसको हम लिख सकते हैं दो का स्क्वायर इंटू तीन। ये होता क्या, ये प्राइम में ब्रेक करना होता है, बेसिकली प्राइम में ब्रेक करना। जैसे ही प्राइम में ब्रेक हो गया, टोटल फैक्टर के लिए एक ही रूल है। प्राइम में ब्रेक होगा, पावर जो भी है प्लस वन, पावर जो भी है प्लस वन। तो तीन और दो कितना अंतर आ गया, छः हो गया। कितना अंतर आ गया मेरे पास, छः हो गया। टोटल फैक्टर हमारे पास कितने आ गए, छः फैक्टर आ गए टोटल। किसके, जब भी हमने सॉल्व किया किसके फैक्टर, छः आ गए। बारह के कितने फैक्टर आ गए, छः आ गए। एक पार्ट हो गया, आगे बात करें। दूसरा, मान लो किसी ने कहा चौबीस के निकालिए, या मान लीजिए किसी ने कहा चौबीस ही निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौबीस को ब्रेक करोगे कैसे, आठ इंटू तीन कर सकते हो, दो का क्यूब इंटू तीन करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ भी होगा पावर में प्लस वन, ये क्या निकाल के देता है, टोटल फैक्टर। ये क्या होगा, वन प्लस वन, चार और दूनी कितना होता है, आठ। तब इसके कितने फैक्टर हो गए, आठ हो गए। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। इसी से हमारा इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि फॉर्मूला टाइप का कुछ बताइए, वो भी हो सकता है। सी अगर कॉम्पोजिट नंबर है, ए के बार में एम, बी के बार में एन, सी के बार में आर एंड सो ऑन, अगर ऐसा है तो टोटल फैक्टर्स कैसे निकलेगा, जो आपने सीखा है वही यूज करें। एम प्लस वन, पावर में जो कुछ भी है प्लस वन, एन प्लस वन और आर प्लस वन, और आगे भी कुछ होगा वही चीज चलता रहेगा। जहां ए बी सी क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, और एम एन आर क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। ए बी सी क्या है मेरे पास, प्राइम है, और एम एन आर क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या होगा, ये है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं थर्टी जो है इसके कितने फैक्टर हो गए, तीन हो गए हमारे पास। आप ब्रेक कर लो, कितने फैक्टर आ गया, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, थर्टी कितने फैक्टर हो गया, आठ। ये टोटल फैक्टर इसलिए निकलवाना सिखा रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे बहुत होगा, यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसी को फॉलो करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 170 का, 170 कैसे ब्रेक होगा, 17 प्राइम नंबर खुद ही है, 2 इंटू फाइव।
वन प्लस वन, इसके बारे में वन, इसके बारे में वन, वन प्लस वन और वन प्लस वन, दो इंटू चार कितना आएगा, आठ, ये हो गया। 37 के कितने फैक्टर होंगे, 37 इंटू एक प्राइम ही है, वन प्लस वन और वन प्लस वन, दो इंटू दो कितना आ गया, चार, चार क्या कोई नहीं गया, तो नन ऑफ दिस। क्या रखिएगा, नन ऑफ दिस होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नन ऑफ दिस को हम लोगों ने इग्नोर कर लिया, बिल्कुल हो सकता है नन ऑफ दिस, इसके लिए परेशान नहीं हो, होगा तो हो सकता है, अगर ऐसा मिल रहा है तो बिल्कुल करेंगे। 24 के 2 का क्यूब मैंने शायद किया भी था, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 4 दूनी कितना हो गया, 8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये हमारा हो गया अगला क्वेश्चन। ठीक, अब आगे देखते हैं 56 क्यों, 56 को आप लिख सकते हो 8 इंटू, कैसे भी ब्रेक करो, 2 का क्यूब इंटू 7, 4 दूनी कितना हो गया, ये अलग बात है क्वेश्चन के सब में आठ आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा आठ आएगा, 37 का भी आठ तो नहीं आया था, 37 का कहाँ आठ है, आप 37 को आप आठ नहीं लाए थे, ये भी ये हो सकता है, तो 37 में आपने ही शायद लाया था, जो भी है। अब इसके आगे बढ़ते, प्रोसीड करते, ठीक है, 56 तक हमने सीख लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे ब्रेक करते हैं, बढ़ते आगे, ठीक है, क्या क्या हमारे पास बच गया, देखो इवन या ऑड डिवाइजर, ये बस 37 वाला भी देखता हूँ क्या है। हाँ 37 में दो ही होगा, 37 इंटू एक, एक तो प्राइम है ही नहीं, तो डाउट लगा देखो, ये होगा दो ही होगा, ऑप्शन नन ना ये हो ना हो के दो ही होगा, क्योंकि तो हमारे पास 37 का पावर एक ही है, तो 1 प्लस 1 दो होगा, दिमाग में आ गया मेरे, खैर ये 24 भी हो गया, 56 भी हो गया, अब इवन ऑड डिवाइजर देखते हैं, हमारे पास ऑड डिवाइजर क्या है, कैसे समझे। अब आपके पास मान लो एक नंबर है, कोई भी नंबर रैंडम ले सकते हो, मान लो 6 ले लिया, इसके डिवाइजर कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3 और 6, तो ऑड कौन कौन सा होगा, 1 और 3 इवन होगा, ये हो गया, इसको तो सॉल्व कैसे करें, ट्रिक होना चाहिए, पहले इसको आप प्राइम में ब्रेक करिए, जो ऑड वाला होगा उसको अलग से ले लीजिए और 1 प्लस 1 कर लीजिए, ये हो गया। तो 6 के कितने ऑड फैक्टर होते हैं, सिर्फ दो होते हैं, क्या रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि सर 12 का प्राइम ऑड फैक्टर बताइए, तो आप 12 कैसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3, इसके लिए भी वही सेम कहानी, 3 आया अलग हो गया और इसका प्लस 1 कर देंगे आपका, यार सिंपल भाषा में समझाऊं, ऑड के केस में ऑड वाले को अलग कर लो, जैसे मान लो 60 है, ये तो होता है 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5 15, 15 60, ऑड के केस में क्या करेंगे, 3 इंटू 5 ही अलग करेंगे, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, रूल मतलब वही लगेगा बट सिर्फ ऑड नंबर पे, इवन पे नहीं, क्यों, उसका कारण मैं अभी बताऊंगा, ये हो गया ऑड को निकालने का तरीका। अब 140 को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, सिर्फ ऑड निकालना, इवन नहीं निकालना, 140 14 इंटू 10 लिखा हमने, 2 इंटू 7, 2 इंटू 5, 2 का स्क्वायर 7 इंटू 5, यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, बेकार बात है, सिर्फ आप ऑड वाला हिस्सा ले लो, 1 प्लस 1 और 1 प्लस, अब आता है 28, 2 का क्यूब इंटू 7, 2 कितना आता है, 2, दो सौ पचास,
तो 3 प्लस 1 4, कितना आएगा हमारे पास 4। याद रखिएगा ऑड के केस में सिर्फ ऑड वाला उठाना है, बाकी से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्यों ऐसा होता है इसका जवाब भी मैं दूंगा। देखिए अब आते हैं इवन में। इवन में ये लग नहीं सकता, देखो इसको कैसे है। इवन के फैक्टर क्या क्या होंगे, मैंने 18 के फैक्टर होंगे 1 2 3 6 9 और खुद 18। इसमें आपको 3 ऑड मिला 3 इवन मिला। अब 18 को मैं ब्रेक करूंगा 2 × 3 का स्क्वायर। अगर यही रूल इवन के केस में अप्लाई करते हैं तो नहीं लगेगा। इवन सिर्फ 2 है तो 1 + 1 कितना आएगा 2, लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है, मतलब इवन के केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका जवाब भी मैं आपको अभी दूंगा। अट्ठारह है, पहले हम सॉल्व करके दिखाएंगे आंसर क्या है। पहले हम निकालेंगे टोटल फैक्टर, क्योंकि क्या होता है 1 + 1 2 + 1, इन दोनों हो गया 6, और ऑड माइनस कर लो 2 + 1 कितना आएगा 3। जब भी हम इवन निकालेंगे टोटल माइनस ऑड कितना आंसर आएगा 3, ये होता है ऑड करने का, क्या कि हमने टोटल माइनस दी, ये बात दिमाग में रखिए। और निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल से माइनस करें, ऐसा क्यों नहीं। इवन नंबर में ऑड नंबर छुपा हो, जैसे मान लो 6 किसी का फैक्टर है, 6 में 2 भी है 3 भी है। इवन में ऑड छुपा हो सकता है, लेकिन ऑड में मान लो 15 है उसमें सिर्फ ऑड होगा, इवन नहीं होगा। इसलिए इवन के केस के लिए टोटल माइनस ऑड करना कंपलसरी। आगे देखते हैं, 1000 है, 10 का क्यूब लिखेंगे 2 × 5 3 + 1 3 + 1 4 × 4 कितना आ गया 100, ये ना होगा, लेकिन ये आ गया टोटल फैक्टर। ये क्या निकाला हमने, टोटल। ऑड क्या होगा, 3 + 1 16 में से 4 माइनस करेंगे तो ये इवन देगा। क्लियर, इसको अच्छे से नोट कर ले, ये पूरी स्टोरी को अच्छे से नोट कर ले। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, 500 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 5 × 100 कर 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, टोटल क्या आएगा 2 + 1 कितना आएगा 12। ऑड क्या आएगा, 1 बराबर क्या करेंगे, टोटल माइनस 4। जब भी इवन निकालना है हम क्या करेंगे, टोटल माइनस ऑड करेंगे, टोटल माइनस ऑड करेंगे। ठीक है, आगे देखते। अब आता है सम ऑफ द डिवाइजर, क्या मतलब समझते हैं। मान लीजिए 12 एक नंबर है, इसके जो हमारे पास डिवाइज फैक्टर है, डिवाइजर है, उसका जोड़ कितना है, 1 2 ये जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 6 जाएगा, 12 12 6 18 4 22 और 22 3 25 25 3 28, इनका सम 28 हुआ। लेकिन हम शॉर्टकट में कैसे करें, कोई पुराना तरीका, पहले आप प्राइम में ब्रेक कर लो, उसके बाद क्या करोगे, जो कुछ भी पावर में होगा प्लस 1, लाइक माइनस 1 भी रखना बोलना मत, और नीचे में भी 2 - 1, नीचे के पावर में कुछ नहीं होगा। फिर क्या आएगा, ये 1 + 1 - 1 3 - 1। अब थोड़ा सॉल्व स्मार्टली करना है, 2 का क्यूब 8 8 - 1 7/1 × 3 का स्क्वायर 9 - 1 कितना आता है 8 8/2 कितना आंसर आ गया 28। यहाँ से भी कितना है 28, तो मतलब हमारा अप्रोच सही है। अब इसी को अगर थोड़ा मैथमेटिकल वे में आप चाहो तो फॉर्मूला हो गया है, कोई चीज हो गया, तो कैसे लिख सकते, वो भी लिखते हैं।
जैसे देखो सी एक कंपोजिट नंबर, ए बी सी प्राइम है, एम एन आर इंटीजर है। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या कहा प्लस वन एंड सो ये अप्रोच रखिए, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, 3 × 100, 2 का स्क्वायर × 5 का हो गया। कोई मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप असेंडिंग में लिखो डिसेंडिंग में लिखो, ऐसा कुछ नहीं होता, मर्जी आपकी कैसे भी लिखो। प्लस वन ये जो रूल है ये फॉलो करना है, ये माइनस वन, ये क्या आएगा 2 + 1 - 1, 5 2 + 1 - 1 / 5 - 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, ये स्मार्टली करना है बहुत स्मार्टली। क्या आता है 8, 8 - 1 = 7 / 1, 125 - 1 / 124 / 4, 2 × 4 कट गया। अब 124 × 7 करना है, बच्चों के 28, 12 से 84 और 2 86, 868 इज ए करेक्ट आंसर, 868 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है, अरे हम लोगों ने कर लिया। अब आगे अगला क्वेश्चन, 1800 18 × 100, 2 का क्या है 2 × 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, ये सब एक साथ कर लेना है, बस ख्याल इस बात का रखना है, ये 3 होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर। ऐसे कहा ब्रेक करने के लिए, देखो 2 के बारे में 3 + 1 - 1 2 - 1, 3 के पावर में 2 + 1 - 1 3 - 1 और 5 के बारे में 2 + 1 - 1 5 - 1, ठीक। ये 8 - 1 कितना होता है 7/1, ये कितना आएगा 8 - 1 कितना होगा 9 - 27 - 26/2 और ये आएगा 125 124/4। अब क्या काट सकती है देख लीजिए, ये आएगा मेरे पास 16 - 1 15 आएगा, सॉरी ये 15 आएगा, ये 27 - 1 26 आएगा, बिल्कुल सही, 125 100 बिल्कुल सही, ये काटने पे 31 आएगा, ये काटने पे 13, 13 × 15 करोगे मेरे हिसाब से ये 195 आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। और 195 को अगर मैं 31 से मल्टीप्लाई करूँ 195 ये आएगा 5 × 3 = 15 और 57 58 9 × 5 = 14 60 45, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन, ये आपका कई बार बड़ा भी मिल जाता है, आपको सॉल्व कैसे करना, 1500 भी है वो भी देख लेते हैं। 15 × 100 3 × 5 2 का स्क्वायर × 5 का, अब 2 का स्क्वायर × 3 × 5 का³, 2 + 1 - 1 2 - 1, 1 + 1 - 1 3 - 1, अब क्या करेंगे, ये आएगा 8 - 1 = 7 8 ही होगा 3 है, ये आएगा 2 - 1 9 - 1 = 8 124 - 1 625 24, 28 7 × 14 और 2 14 2 16 42 और 1 कितना आएगा मेरे पास 43, 436 इट इज द करेक्ट, ये आपका सम वाला हो। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के लिए रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया 6 के जो डिवाइजर है उसके प्रोडक्ट क्या है, जैसे 1 2 3 6, मैं छोटे नंबर ना जानबूझ के ले रहा हूँ, कारण क्या है समझाने में आसान होगा, 18 18 18 36 36 आएगा,
कन्वर्जन बिल्कुल है। आप पहले इसको टोटल फैक्टर निकालो, टोटल निकालने के लिए जो सबसे शुरू में शुरू किया था 2 + 1 + 1 कितना आएगा, 2 × 2 = 4 आ गया। अब आप क्या करो, ये जो नंबर है ना इसके ऊपर 4 को रखो और आधा कर दो, कोई भी नंबर होगा रख के आधा, ये आएगा 2, तो 6 का स्क्वायर कितना आता है 36। एक फॉर्मेट क्या होता है n, हमारे पास प्रोडक्ट के केस में क्या लिखा जाते हैं n, टोटल फैक्टर अपॉन 2, n टोटल फैक्टर अपॉन 2, ये बात दिमाग में रखिए। जो भी हमारे पास होगा टोटल फैक्टर अपॉन क्या होता है, ये भी हम कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा कैसा भी होगा हम उसको अप्रोच इस तरह कर सकते हैं। आपसे किसी ने पूछ लिया 36 के जो प्रोडक्ट हैं ऑफ डिवाइजर्स के फैक्टर बताओ, अब क्या लिखोगे 36 को, 2 × हमारे पास 6 का स्क्वायर या 2 × 3 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 + 1 = 3, 2 + 1 3 × 3 कितना आएगा 9। अब 36 को क्या लिखोगे आप, 9/2 इसके बारे में नहीं, यह आएगा 100। 100 को कैसे निकालेंगे भाई, रास्ता हो बिल्कुल होगा, ठीक 100 लिखा और जो टोटल फैक्टर को आधा कर दिया, लेकिन ये 100 के बारे में 9/2 आ गया, ये ख्याल रखना, यहाँ थोड़ा स्मार्ट होना है। अगर ये 2 कट सकता है किसी भी रीजन से, अब उसको उड़ाएंगे, इसका स्क्वायर किया 2 से 2 काट गया, ये 10 के बारे में नहीं, तो बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, सोल्यूशन का सिंपलेस्ट फॉर्म, यही एग्जैक्ट आंसर माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखो 900 बोला, 900 का आप क्या लिखोगे, 9 × 100 3 × 3 2 × 5 टोटल निकालने के लिए क्या होगा, 2 + 1 2 + 1 2 + 1 कितना आएगा फाइनली 9, 900 के पावर में 9/2। लेकिन अगर ये 2 कट सकता है, इसका स्क्वायर लिखेंगे 9/2 इसके पावर में कितना आएगा 9, ठीक इसके पावर में कितना आएगा भाई 3 का स्क्वायर होता है 900, तो हमारे पास 30 के बारे में 9 मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो 30 का स्क्वायर है, यहाँ आपको 9 ही मिल रहा है और कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे 9 2 से 2 कट गया, 30 के बारे में 9 ही है, तो कोई बात नहीं 99 लगा देंगे, ठीक है। ये था आपका कंपोजिट नंबर के पार्ट। अब आगे बढ़ते क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये हमारे टॉप मेंटर्स हैं, ये मैं हूँ, मेरा नाम सूर्यजीत भट्टाचार्य है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, बाकी डिटेल्स सारे दिए हुए हैं। इंडिया बेस्ट प्रोग्राम जो है क्रैक यूपीएससी लिमिटेड सीरीज 100 डेली इन परसेंट डाउट सॉल्विंग मंथली AMI सेशन विद टॉप एजुकेटर यूपीएससी इंटरव्यू अटेंडेंट कोचेस कम्युनिटी ऑफ हाई पोटेंशियल एस्पिरेंट वीकली 1 मंथ पर्सनल मेंटरिंग होता है। ये है क्या हमारे पास, ये एक ग्रेट सब लर्निंग वीक, ये 16 तारीख तक ही है लास्ट, बस खत्म हो जाएगा। महा सब्सक्रिप्शन ऑफर 25 से 10%, 10 ऑप्शनल कार्निवल लॉन्च ऑन 16th, नोट्स हिंदी में मिलेगा, हिंदी में भी नोट उपलब्ध है, इंग्लिश में तो है ही, हिंदी में भी नोट उपलब्ध है। अब आता है महा सब्सक्रिप्शन में मिलेगा क्या, 1 साल का प्लानिंग में 2022 के मेंस तक का आपको एक्सटेंशन मिल रहा है 2 साल के लिए 2023 तक, लेकिन ख़त्म कब होगा 16 तारीख को, सबके लिए SRJ कोड लगाइए और आप तो पाइए। अब आते हैं चेज योर ड्रीम लोन फॉर UPSC प्रिपरेशन फॉर ऑन अकेडमी, 0% प्रोसेसिंग फीस 0% इंटरेस्ट रेट, अप्रूवल इन 2 आवर्स, नो हिडन चार्जेस, मिनिमल पेपर वर्क, फ्लेक्सिबल टेन्योर, 20 बुक्स है, 100% सिलेबस कंप्लीशन, हाईली स्ट्रक्चर्ड ऑफ सी,
ईज ऑफ लर्निंग क्रिएटेड ऑफ द बेस्ट यूपीएससी प्रीवियस ईयर ऑप्शन अपडेट अपडेट विथ करेंट यूपीएससी। ये जो बुक्स मिल रहा है ना ये हिंदी में भी है, बुक की कीमत करीब 10,000 रुपये है। दो तरह का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या, एक आइकोनिक एक है प्लस। प्लस जो है वो लाइव क्लास वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस। आइकोनिक का क्या है, पर्सनल गाइडेंस टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट गाइडेंस स्टडी मटेरियल और क्या है स्टडी प्लान। ये दो तरह के कोर्स देते हैं। अब इनके फीस स्ट्रक्चर, सब्सक्रिप्शन के स्ट्रक्चर जो 40,500 10% करेंगे 36,450, 49,500 10% करेंगे 44,550, 72,000 है 10% करेंगे 64,800, 90,000 करेंगे कैसे, ये किसका है, ये प्लस का है। प्लस आइकोनिक में डिफरेंस मैंने बता दिया क्या क्या मिलता है। अब ये फी स्ट्रक्चर था, 12 महीने का कितना है 74,500, ये आइकोनिक है याद रखिएगा। 10% एस आर जी कोड लगाएंगे 10% का वहाँ पर कम हो जाएगा 6750। ये 24 महीने के लिए 1,15,000 104,175 पड़ेगा। 36 महीने के लिए 1,53,750 138,375 पड़ेगा। कब, जब आप कोड लगाएंगे तो। ये हमारा बैचेस है, ये टेस्ट सीरीज है, ये कॉम्पैक्ट है, विन स्कॉलरशिप वर्थ 4 करोड़ 60 क्वेश्चन 60 मिनट एवरी संडे 11 AM फ्री लाइव टेस्ट ऑन रॉयड टेस्ट। अब ये टेस्ट भी हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है, क्या लगेगा। फाइनली चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजाइए। हमारा मेरा जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो ये है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।